हेलो एवरीवन, आज है 24 अगस्त और आज के इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे 24 अगस्त से बनने वाले करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। कल के क्लास में हमने देखा था कि ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड में लगातार दूसरे साल दुनिया का टॉप सेंट्रल बैंकर चुना गया है, आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास को। आईसीसी के जो नेक्स्ट चेयरमैन बनने जा रहे हैं, ये बनने जा रहे जय शाह, और ये रिप्लेस करेंगे ग्रेग बार्कले को। अगस्त 2024 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ये यूरोपियन कंट्री पोलैंड और यूक्रेन के दौरे पर हैं। सबसे अधिक ई व्हीकल चार्जिंग स्टेशनों के साथ जो कर्नाटका है, ये टॉप पर रहा है। रिसेंटली सीएट क्रिकेट अवार्ड दिए गए हैं, जिसमें कि सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर मेंस कैटेगरी में रोहित शर्मा को चुना गया है। 19th नंबर का जो सीआईआई भारत अफ्रीका बिजनेस कॉन्क्लेव था, ये राजधानी दिल्ली में आयोजित किया गया। भारत का पहला संविधान संग्रहालय जो कि हरियाणा में जिंदल यूनिवर्सिटी स्थापित कर रही है, और भारत ने पहली बार मनाया है नेशनल साइंस डे, माफ कीजिएगा, नेशनल स्पेस डे है ये, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23rd of अगस्त को, क्योंकि इसी दिन 2023 में भारत का जो मून मिशन है चंद्रयान 3, ये साउथ पोल पर सफलतापूर्वक लैंडिंग कर गया था। दुनिया का जो सबसे मजबूत डेयरी ब्रांड बना है, ये बना है भारत का अमूल, और जम्मू कश्मीर के जो नए डीजीपी बने हैं, ये बन गए हैं नलन प्रभात। तो ये सभी क्वेश्चंस हमने कल पढ़े थे। शुरू करते हैं आज का हमारा पहला सवाल। सवाल है, अभी हाल ही में किस देश में हनुमान जी की 90 फीट ऊंची जो कांस्य की प्रतिमा है, ब्रॉन्ज स्टेच्यू, जिसका नाम है स्टेच्यू ऑफ यूनियन, इसका उद्घाटन किया गया है? तो इसका उद्घाटन रिसेंटली किया गया है अमेरिका में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। ह्यूस्टन के निकट भगवान हनुमान की ये जो 90 फुट ऊंची कांस्य की प्रतिमा है, इसका उद्घाटन किया गया है, जो कि अमेरिका के सांस्कृतिक और आध्यात्मिक परिदृश्य में एक नया अध्याय है। ये मूर्ति टेक्सास में नवीनतम पहचान बन गई है, जो कि बहुत ही ज्यादा दूरी से दिखाई भी दे सकती है, और अमेरिका की तीसरी सबसे ऊंची मूर्ति है, क्योंकि इसके पहले यदि देखा जाए तो न्यूयॉर्क में है एक स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी, जिसकी हाइट है 151 फुट। फिर है फ्लोरिडा के हेलेनडेल के बीच में पेगासस एंड ड्रैगन, जिसकी हाइट है 110 फुट। यदि मैं बात करूं अमेरिका की, तो नॉर्थ अमेरिका के मैप में आप देख सकते हैं इसकी लोकेशन, ऊपर में कनाडा और नीचे में मैक्सिको है। मैंने कई बार बताया है कि जो अमेरिका है, ये कनाडा से सेंट लॉरेंस रिवर के माध्यम से सेपरेट होता है, और नीचे में मैक्सिको से रियो ग्रैंडे रिवर के माध्यम से सेपरेट होता है। कैपिटल वॉशिंगटन डीसी, जहां पर आप नासा, जो कि अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, इसका हेडक्वार्टर, आईएमएफ यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का हेडक्वार्टर, और वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर पढ़ते हैं। अभी तक तो यहाँ के प्रेसिडेंट जो बाइडन है, करेंसी डॉलर है। कुछ करंट के फैक्ट्स यदि हम अमेरिका से रिलेट करें, जो कि हाल फिलहाल में हमने पढ़ रखे हैं, तो फोर्ब्स वर्ल्ड बिलियनर्स लिस्ट 2024 की जो रिलीज की गई है, इसमें सबसे अधिक बिलियनर्स यानी कि अरबपति अमेरिका में ही हैं। कुल 813 इनकी संख्या बताई गई है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने अभी हाल ही में यात्रा पर्यटन सूचकांक रिलीज किया था, जिसमें कि अमेरिका टॉप पर था। 119 देशों में भारत को 39 प्लेस पर रखा गया था। विनय मोहन पात्रा जो है, ये भारत में अमेरिका के राजदूत बनाए गए हैं, और सैन्य गठबंधन जो नाटो का शिखर सम्मेलन है, इसका आयोजन अभी हाल ही में अमेरिका के वॉशिंगटन में ही किया गया। भारत और अमेरिका की जो स्पेशल फोर्सेस है ना, इनके बीच तर्कस एक्सरसाइज का आयोजन होता है। इसका सेकेंड एडिशन था, जो कि रिसेंटली कोलकाता में संपन्न हुआ है। अब मैं यहाँ पर स्टेच्यू की बात कर ही रही हूँ, तो आप ऑप्शन से रिलेट करेंगे ना, तो भारत में जो सबसे ऊंचे स्टेच्यू है, भारत ही नहीं पूरी दुनिया के सबसे ऊंचे स्टेच्यू, सरदार वल्लभ भाई पटेल की, जिसे आप स्टेच्यू ऑफ यूनिटी के नाम से जानते हैं, कहाँ पर है ये? गुजरात के केवड़िया में है। जापान की यदि आप बात करें, तो जापान के हिरोशिमा में लास्ट ईयर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने महात्मा गांधी जी की प्रतिमा का अनावरण किया था। और फ्रांस यदि आप रिलेट करेंगे, तो कुछ समय पहले यहाँ पर तिरुवल्लूर की प्रतिमा का उद्घाटन किया गया है। तिरुवल्लूर जो कि भारतीय संत रहे थे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश है साउथ कोरिया में यूनाइटेड नेशंस कमांड यानी कि संयुक्त राष्ट्र कमांड का 18वां सदस्य बना है? ये रिसेंटली बना है यूरोपियन कंट्री जर्मनी। ये 2013 में इटली की पुनः स्थापना के बाद यूएनसी का पहला विस्तार है। यूएनसी यानी कि यूनाइटेड नेशंस कमांड का पहला विस्तार है। इसकी स्थापना 1950 में उत्तर कोरिया आक्रमण का जवाब देने और साउथ कोरिया की रक्षा में सहायता करने के लिए की गई थी। जर्मनी के शामिल होने से उत्तर कोरिया सीमा पर अंतर्राष्ट्रीय निगरानी ये तो बढ़ेगी ही, जो कि क्षेत्रीय सुरक्षा के प्रति जारी वैश्विक
प्रतिबद्धता को दर्शाता है। मैप तो मैंने ऐड नहीं किया है, लेकिन बेसिक आपको मालूम है कि जो नॉर्थ कोरिया है और जो साउथ कोरिया है, ये दोनों ही 38 पैरेलल लाइन यानी कि 38वीं समानांतर रेखा के माध्यम से सेपरेट होते हैं। यदि मैं बात करूं स्वीडन की, स्वीडन ये यूरोपियन कंट्री है जो कि रिसेंटली नाटो में शामिल हुआ है। नाटो यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, और नाटो में शामिल ये 32nd नंबर का मेंबर कंट्री बना है। बेलारूस की यदि बात की जाए तो संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन में शामिल ये 10वां मेंबर कंट्री बना है। जबकि जो ईस्ट तिमोर है ये एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन में शामिल 11वां यानी कि 11th मेंबर कंट्री बनने जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में लॉजन डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा ये किस स्थान पर रहे हैं? तो इसमें ये दूसरे स्थान पर रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। इन्होंने अपने अंतिम थ्रो में 89.49 मीटर का जो थ्रो किया है, इसी के साथ लॉजन डायमंड लीग में दूसरा स्थान इन्होंने सुनिश्चित किया है। तो पहले स्थान पर कौन रहे हैं? एंडरसन पीटर्स, जिन्होंने 90.61 मीटर का थ्रो किया है। जबकि इसमें तीसरे स्थान पर जूलियन वेबर रहे, जिन्होंने 87.08 मीटर का थ्रो किया है। यदि मैं बात करूं नीरज चोपड़ा की, तो आपको मालूम है अभी जो पेरिस ओलंपिक हुए थे फ्रांस की कैपिटल पेरिस में, इसमें भारत ने 6 मेडल जीते थे कुल, जिसमें कि इकलौता सिल्वर था नीरज चोपड़ा ने जिताया था, बाकी 5 ब्रॉन्ज थे। और नीरज चोपड़ा के ही सम्मान में जो अगस्त महीने की 7 तारीख है, 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस के रूप में मनाया जाता है। जो स्विट्जरलैंड है ना, स्विट्जरलैंड जो कि एक यूरोपियन कंट्री है, इन्होंने नीरज चोपड़ा को अपने फ्रेंडशिप ग्रुप के रूप में भी नियुक्त किया था। सवाल नंबर चौथा है। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पहला विज्ञान रत्न पुरस्कार प्रदान किया है। क्वेश्चन है कि किसे? आंसर हो जाएगा इसका गोविंद राजन पद्मनाभन को, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रसिद्ध जैव रसायनज्ञ और बैंगलोर स्थित भारतीय विज्ञान संस्थान के जो पूर्व निदेशक रहे हैं गोविंद राजन पद्मनाभन, इन्हें पहला विज्ञान रत्न पुरस्कार दिया है। विज्ञान रत्न पुरस्कार जो कि भारत का शीर्ष विज्ञान पुरस्कार है, विज्ञान रत्न पुरस्कार उन वैज्ञानिकों को दिया जाता है जिन्होंने साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, आप कह सकते हैं किसी भी क्षेत्र में, इन्होंने जो अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है आजीवन, उन्हें दिया जाता है। मैं अदर ऑप्शन की बात करूं तो जो पूर्णिमा देवी वर्मन है, इन्हें रिसेंटली विटली गोल्ड अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। और आलोक शुक्ला, इन्हें गोल्ड मैन पर्यावरण अवार्ड ये मिला है। और प्रभा वर्मा की यदि बात की जाए तो इस साल का जो सरस्वती सम्मान है, जो कि के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है, तो सरस्वती सम्मान इन्होंने अपनी रचना रौद्र सात्विकम के लिए जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। जुलाई 2024 में भारत किस देश को पीछे छोड़ते हुए रूसी तेल का सबसे बड़ा आयातक बना है? मतलब कि रशिया से तेल मंगवाने वाला जो देश है, ये अब सबसे टॉप पर भारत हो गया है। किसे पीछे छोड़ते हुए? चाइना को पीछे छोड़ते हुए। ये जुलाई 2024 की रिपोर्ट है। जुलाई में रूसी कच्चे तेल का रिकॉर्ड 2.07 मिलियन बैरल प्रतिदिन यह आयात हुआ है। ये भारत के कुल आयात का 44% रहा था। ये जुलाई में पाइपलाइनों और शिपमेंट के माध्यम से रूस से चाइना के 1.7 मिलियन बैरल प्रतिदिन तेल के आयात से अधिक रहा था। जब से रशिया ने फरवरी 2022 में यूक्रेन के खिलाफ अपना युद्ध शुरू किया है, तब से भारत रशिया के साथ व्यापार मुख्य रूप से तेल और जो उर्वरक है यानी कि फर्टिलाइजर के आयात के परिणाम स्वरूप बढ़ा है। पिछले महीने इराक जो है ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बना था, इसके बाद सऊदी अरब और यूएई का स्थान है। यहाँ से मैंने चाइना का मैप तो ऐड नहीं किया है। चाइना भारत के कंधे पर बैठा है, मैकमोहन लाइन के माध्यम से सेपरेट होता है। इसकी कैपिटल बीजिंग है, बीजिंग में हेडक्वार्टर आप पढ़ते हैं संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का। और एट प्रेजेंट यहाँ के जो प्रेसिडेंट है सी जिनपिंग हो जाएंगे। हैंड इन हैंड एक्सरसाइज जो कि भारत और चाइना के बीच में ही होती है। और इसके अलावा यदि आप करंट से रिलेट करेंगे ना, तो जो फाइनेंशियल ईयर 2023-24 का रहा है, इसमें भारत का जो शीर्ष व्यापार भागीदार देश जो पहले अमेरिका हुआ करता था, इसके स्थान पर ये चाइना आ गया है। चाइना की जो स्पेस एजेंसी, इसका नाम हो जाएगा चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। क्या जापान के साथ भारत का कोई समझौता है? तो बिल्कुल है, बुलेट ट्रेन को लेकर के भारत और जापान के बीच में समझौता है। मतलब कि भारत में जो पहली बुलेट ट्रेन चलने जा रही है अहमदाबाद से मुंबई के बीच में, जापान के ही सहयोग से। भारत ने जो राफेल विमान लिए हैं फ्रांस से लिए हैं द सॉल्ट एविएशन कंपनी के माध्यम से। और हाइड्रोजन टास्क फोर्स का जो गठन है भारत ने
यूरोपियन कंट्री जर्मनी के साथ किया। छठवें नंबर का सवाल है, किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने ब्रिटेन के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का चांसलर बनने के लिए अप्लाई किया है? तो आप सभी को मालूम है, ये है पाकिस्तान के पूर्व प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, और ये एक साल से जेल में भी बंद रहे हैं। पाकिस्तान की जेल में एक साल से बंद इमरान खान ने ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में चांसलर बनने के लिए अप्लाई कर दिया है। इमरान के जो सलाहकार हैं सैयद जुल्फिकार बुखारी, इन्होंने सोशल मीडिया पर इस बात की जानकारी भी दी है। बुखारी ने ये भी कहा है कि जो इमरान खान है चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो गए हैं। उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी चांसलर इलेक्शन 2024 के लिए फॉर्म जमा कर दिया है, और ये चुनाव होने हैं अक्टूबर में, 28 अक्टूबर को ये होगा। ऑक्सफोर्ड के 800 सालों के इतिहास में पहली बार चांसलर चुनाव के लिए ऑनलाइन वोटिंग होने जा रही है। बुखारी का ये भी कहना है कि यदि इमरान खान चांसलर बनते हैं तो वह एशियाई मूल के यानी कि एशियाई ओरिजिन के पहले व्यक्ति होंगे। ये सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं पूरे एशिया और बाकी दुनिया के लिए बड़ी उपलब्धि होगी, ऐसा इनके सलाहकार मानते हैं। और ये ऑक्सफोर्ड के स्टूडेंट रह चुके हैं इमरान खान। चुनाव लड़ने के लिए रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत होती है, जो कि 18 अगस्त तक चल रही थी। इमरान खान ऑक्सफोर्ड के ही छात्र हैं, स्टूडेंट रह चुके हैं। उन्होंने 1972 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के केबल कॉलेज से इकोनॉमिक्स में डिग्री हासिल की थी, और वह 2005 से 14 तक ब्रैडफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर के रूप में भी काम कर चुके हैं। प्राइम मिनिस्टर की बात की ही जा रही है, तो केपी शर्मा ओली जो है ये नेपाल के प्राइम मिनिस्टर रिसेंटली बनाए गए हैं। बांग्लादेश में आप सभी जानते हैं अभी तख्ता पलट हुआ है, यहाँ की जो प्राइम मिनिस्टर थी शेख हसीना, इन्होंने इस्तीफा दिया है, और मोहम्मद यूनुस ये अंतरिम सरकार के नेता चुने गए हैं। बेंजामिन नेतन्याहू ये हो जाएंगे इसराइल के प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने वेस्टर्न इंडिया बिलियर्ड्स फाइनल जीता है? तो बिलियर्ड्स यदि आप रिलेट करेंगे तो पंकज आडवाणी का नाम रिलेट कर सकते हैं। इन्होंने भी हाल ही में वेस्टर्न इंडिया बिलियर्ड्स का फाइनल जीत लिया है। किसे हरा करके? एस श्री कृष्ण को हरा करके मुंबई में। और ये जीत आडवाणी की मुंबई शिखर सम्मेलन में लगातार छठी खिताबी जीत रही थी। ऑप्शन के थ्रू यदि आप देखें ना, तो शूटिंग से रिलेटेड हो जाएंगे सौरभ चौधरी, अमन सहरावत ये आपके हो जाएंगे रेसलिंग से रिलेटेड, और इन्होंने भी हाल ही में पेरिस ओलंपिक में रेसलिंग में भारत को ब्रॉन्ज मेडल दिलाया है। नीरज चोपड़ा ये जेवलियन थ्रो यानी कि भाला फेंक से रिलेटेड है। आठवां सवाल है, हाल ही में किस भारतीय शहर को स्मार्ट सिटी के रूप में चुना गया है? आंसर हो जाएगा बैंगलोर, जो कि कर्नाटक की कैपिटल है। देखिए ये वाला क्वेश्चन मैंने रिवीजन के लिए रखा है, ठीक है। बैंगलोर को स्मार्ट सिटी के रूप में चुना गया है। इस योजना के तहत बैंगलोर में स्मार्ट सिटी के पैरामीटर्स को लागू करने के लिए कई परियोजनाओं की शुरुआत की जाएगी। इसमें जैसे कि सार्वजनिक सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार, ट्रैफिक मैनेजमेंट, पर्यावरण संरक्षण, नागरिक सेवाओं के डिजिटलीकरण जैसी पहल इसमें शामिल होंगी। स्मार्ट सिटी योजना का उद्देश्य है बैंगलोर को एक आधुनिक, सुलभ और कुशल शहर बनाना है, जहां नागरिकों को बेहतर फैसिलिटीज और सर्विसेज मिल सके। इसके अलावा इस योजना से बैंगलोर की आर्थिक वृद्धि और सामाजिक विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। यदि मैं अदर ऑप्शन की बात करूँ ना, तो उदयपुर, जिसे राजस्थान का सिटी ऑफ लेक भी कहा जाता है, ये देश का पहला वेटलैंड शहर बनने जा रहा है। कोटा राजस्थान में है, ये भारत की पहली ट्रैफिक लाइट फ्री सिटी होगी। दुनिया की दूसरी है, भारत की पहली, तो दुनिया की पहली कौन है? भूटान की कैपिटल थिम्पू। और सांची की यदि हम बात करें, मध्य प्रदेश का शहर है, ये फर्स्ट सोलर सिटी ऑफ इंडिया बना है। और बैंगलोर को आप ये भी रिलेट कर सकते हैं, रिसेंटली टॉम टॉम ट्रैफिक इंडेक्स से रिलीज किया गया था ना, दुनिया का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर ये आपका लंदन है, भारत की तरफ से बैंगलोर टॉप पर है। मतलब कि बैंगलोर में इतना ज्यादा ट्रैफिक है कि यहाँ पर यदि 10 किलोमीटर भी चलना है तो इसमें 30 से 40 मिनट का समय लग जाता है। अगला सवाल है, यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में ऐतिहासिक मोईदम्स को शामिल किया गया किस राज्य में स्थित है? पिछले महीने पढ़ा गया सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी मैंने रिविजन के लिए रखा है। आंसर इसका हो जाएगा असम। असम का मोईदम्स है, जो कि यूनेस्को की विरासत सूची में शामिल हो चुका है सांस्कृतिक कैटेगरी में। तो आप कह सकते हैं कुल मिलाकर के अब देश में जो यूनेस्को में शामिल स्थलों की संख्या है ये 43 हो गई है। यूनेस्को यानी कि यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर आप पेरिस फ्रांस में पढ़ते हैं, ऑद्रे अजौले प्रमुख हैं। देश का जो 40वां स्थल यूनेस्को के हेरिटेज लिस्ट में शामिल हुआ था, ये था गुजरात का धौलावीरा। 41वां इसमें शामिल हुआ था पश्चिम बंगाल का शांति निकेतन। और 42वां
कर्नाटक का होयसला टेंपल। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 10वां सवाल भी रिवीजन के लिए है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने कहां पर 17वें दिव्य कला मेले का उद्घाटन किया? छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में इसका उद्घाटन किया गया है, अगस्त 2024 में। एडिशन इसका 17वां है। वीरेंद्र कुमार जो कि भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री हैं। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ये भी मौजूद रहे हैं। दिव्य कला मेला भारत सरकार द्वारा 2022 में विकलांग या आप कह सकते हैं दिव्यांग कलाकारों को उनके प्रोडक्ट तक बाजार पहुंच प्रदान करके आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य है जो दिव्यांग है उनके कौशल को विकसित करना भी है। रायपुर के सिहावा पहाड़ी से महानदी का उद्गम होता है। यही महानदी ओडिशा में जाकर के भारत का सबसे लंबा नदी बांध बनाती है। दिल्ली में अभी हाल ही में भारत अफ्रीका सम्मेलन का आयोजन किया गया। लखनऊ में भारत की पहली AI सिटी बनने जा रही है और फर्स्ट सोलर सिटी ऑफ इंडिया ये हमने देख लिया है, सांची है। स्टैटिक में हम देखें कुछ महान कार्य से संबंधित व्यक्ति, तो इसमें स्वर्ण मंदिर का निर्माण गुरु अर्जुन देव ने कराया, बारदोली आंदोलन वल्लभ भाई पटेल, पाकिस्तान की स्थापना मोहम्मद अली जिन्ना। देखिए अब कुछ महान कार्यों से संबंधित व्यक्ति पूछा जा रहा है, यानी कि जिन्ना ने ऐसा नहीं महान काम किया है, इनके काम से संबंधित व्यक्ति हम कह सकते हैं। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्रनाथ बनर्जी, औरिवले आश्रम की स्थापना अरविंद घोष, रूसी क्रांति के जनक लेनिन, जामा मस्जिद शाहजहां, विश्व भारती रविन्द्रनाथ टैगोर, दास प्रथा का उन्मूलन अब्राहम लिंकन, चिपको आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था इंदिरा गांधी जी ने। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने 17वां दिव्य कला मेले का उद्घाटन कहाँ किया? यही सवाल मैंने आपको पढ़ाया है रिवीजन फॉर्मेट में, आंसर इसका रायपुर है। आज का सवाल है, किस राज्य के राज्यपाल ने मुख्यमंत्री के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए मंजूरी दी है? इसका आंसर जो भी है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।